हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आयुष जोल श्रीवास्तव। हम लोग फिर से एक नए वीडियो में आ गए हैं। ये है गाइस रॉयल इनफील्ड हिमालयन 450 सीसी और इसके इंजन का भी नाम है शेरपा 450। तो ये एकदम लेटेस्ट मॉडल है जो कि 2023 OBD2 प्लेटफॉर्म पे है। तो इसमें काफ़ी चेंजिंग पूरा पहले से पूरा अपडेट कर दिया गया, इसलिए इस वीडियो में बने रहिए। सारे अपडेट को हम कवर करेंगे और इसमें 4 वेरिएंट और 5 कलर आता है और क्या प्राइस होने वाला है इसका, क्या एक शोरूम ऑन रोड क्या होगा, तो सारा चीज़ इसमें हम बताएंगे। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट जो चेंजिंग है, इसके लुक में चेंजिंग करा गया। आप लुक देख सकते हो, लुक कम्प्लीटली बदल दिया गया है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो लुक साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा आ जाता है। साइड प्रोफाइल में भी चेंजिंग की गई है। और फ्रंट का बात करें तो फ्रंट में विंडशील्ड जो आता है, ये पहले आता था एकदम फ्लैट आता था, लेकिन अब थोड़ा इसको इस शेप में बना दिया गया है। साइड से भी कुछ ऐसा पोर्शन दिया गया, आप देख सकते हो। तो ये कुछ इसमें चेंजेस है। हेडलैम्प में भी चेंजेस किया गया, पहले हैलोजन अब LED आता है और सेंटर में आपको RE की बेजिंग, तो ये तो सब में आती है, लेकिन अब ये LED स्प्लिटेड फॉर्म में कर दिया गया है। और यहाँ पे देखा जाए तो साइड इंडिकेटर भी इसको आपको इसमें कम्प्लीटली LED दे दिया गया है। इसमें मैं अभी आपको दिखा देता हूँ चलाकर, तो ये देख सकते हो कम्प्लीटली LED इसको कर दिया गया है। तो काफ़ी मतलब प्यारा लग रहा है वीडियो में आपको जैसा शो हो, लेकिन रियल में काफ़ी ग्रेट फील हो रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस। तो ये इसका और ये डबल टोन में है, जैसे येल्लो एंड ब्लैक में इसका दिया गया है और सारे कलर ऑप्शन भी है, 4 और कलर आ जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसा दिया गया है, पूरा एडवेंचरस बाइक है। यहाँ पे स्टिकर दिया गया है येल्लो कलर का और ब्लैक एंड येल्लो का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। सेंटर में देखा जाए तो आप यहाँ पर नंबर प्लेट इंस्टॉल करा सकते हो। इधर का अगर बात किया जाए तो यहाँ पर एकदम प्लास्टिक, ये आपको हार्ड फाइबर में प्लास्टिक में मिल जाएगा। और इसकी ग्रिप भी काफ़ी मतलब ज़बरदस्त, एकदम एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह एकदम दिया गया है, ऑफ रोडिंग बाइक की तरह। और ये ट्यूबलेस टायर है एंड इसमें स्कोप्स आप देख सकते हो, ये गोल्डन कलर का इसमें पोर्शन दिया गया है, जो कि टायर सेक्शन की अगर हम बात करें तो 90x90 सेक्शन का 21 इंच का स्कोप ये वाला आ जाता है। और यहाँ पे आपको हिमालयन की बैजिंग मिल जाएगी, साइड में रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। और ये सस्पेंशन आप देख रहे हो, USD सस्पेंशन है जो कि 43mm का है। इसमें भी चेंजिंग किया गया है 2mm की, पहले 41mm का आता था। तो और डुबल चैनल ABS के साथ आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी सारी कनेक्शन यहाँ पे दी गई है। तो और इसका डिस्क साइज़ की बात करें तो डिस्क साइज़ भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। आपको डिस्क साइज़ 320mm का आपको मिल जाएगा डिस्क साइज़, और वाइब्रेट का डिस्क कैलिपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देख रहे हो। तो काफ़ी मतलब प्यारा लग रहा है, एकदम भरा पूरा लग रहा है। और किसी चीज़ में सेफ्टी में भी इसमें काम की गई है, जैसे पीछे का अगर हम रेयर का बात करें गाइज, तो रेयर का अगर बात कर ले तो रेयर में भी चेंजिंग करा गया है। जैसे पहले आपको सस्पेंस डिस्क साइज़ भी कम आता था और टायर साइज़ का चौड़ाई भी बढ़ा दिया गया है पीछे का 20mm पहले से, अभी है 140x80 R17 का 17 इंच का आपको स्पोक ये आ जाता है। एंड डिस्क साइज़ की बात करें तो 270mm आपको डिस्क साइज़ आ जाता है पीछे का, पहले 240mm आता था। 30mm का डिफरेंसेस पहले वाले से अभी में है। और ये एग्जॉस्ट देख सकते हो, एग्जॉस्ट भी चेंज कर दिया गया है और काफ़ी यूनिक टाइप से और स्लिम कर दिया गया, देख सकते हो। तो ये भी एग्जॉस्ट और इसका साइज़ भी काफ़ी छोटा कर दिया गया है, पहले लंबा था और छोटा था, तो इसको भी ये किया गया है। और आपको एक और अपडेट है, इसमें मोनोशॉक सस्पेंशन आपको मिल जाता है, देख सकते हो 200mm का, जो कि काफ़ी मतलब यूनिक है, अभी किसी बाइक में नहीं आया, लेकिन 200mm का एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन आपको मिल जाएगा। और ये टायर मड फ्लैप आपको इसमें मिल जा रहा है, जो कि हार्ड प्लास्टिक में है, और देख सकते हो कितना चौड़ा है, कम्प्लीटली इसको बनाया गया एकदम एडवेंचर के लिए, देख सकते हो। तो काफ़ी इसमें सेफ्टी वगैरह के लिए भी चेंजिंग किया गया, जैसे पीछे का डिस्क साइज़ बढ़ाना, तो ये सब। और मोनो सस्पेंशन है, एडजस्टेबल है। सीट हाइट की अगर हम बात कर ले तो सीट हाइट 825mm है और आप 805mm तक कर सकते हो मिनिमम, और मैक्सिमम 845mm, जो कि एडजस्टेबल है, हाइट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। तो सेंटर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे हिमालयन की बैजिंग आ जाती है टैंक पर, और टैंक में भी चेंजेस किया गया है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी अब 17 लीटर का आता है, पहले आता था आपको 15 लीटर का। और देखा जाए तो लुक में देखा जाए तो यहाँ पे हिमालयन की बैजिंग आ जाएगी, जो कि स्टिकरिंग दी गई है पीला कलर और ब्लैक कलर में। साइड में देखिए, साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा आ जाता है आपको, काफ़ी प्यारा लग रहा है गाइस। और यहाँ पर रॉयल इनफील्ड की बैजिंग आ जाएगी। और इस पर देखा जाए तो इस पर भी टैंक पर भी आपको हिमालयन रॉयल इनफील्ड की बैजिंग दी गई है, स्टिकरिंग दी गई है, और E20 की बैजिंग यहाँ पे सेंटर में दिया गया है। यहाँ से आप की इंस्टॉल करके ओपन करके इसको यहाँ पे फ्यूल भरा सकते हो। और एक और इसमें यूनिक क्या चीज़ दिया गया है, USB चार्जिंग की ऑप्शन दे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो। तो USB चार्जिंग। और हैंडल की अगर बात करें तो गाइस, तो इसमें आपको
अपराइट हैंडल बार आ जाता है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है चलाने में, ड्राइविंग में काफ़ी ज़बरदस्त फील होने वाला है। और इसमें जो कंट्रोल्स की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे आपको दे दिया देख सकते हो। एंड इस साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे मोड का आ जाएगा, टोटल 3 इसमें मोड आ जाते हैं, सॉरी 4 मोड आ जाता है इसमें, 4 मोड आ जाता है। मोड यहाँ से ऑपरेट होगा और यहाँ से आपको इंजन स्टार्ट करने का ऑप्शन दिया गया। हैजार्ड लैंप का ऑप्शन इधर से दिया गया, पीछे आप देख सकते हो तो हैजार्ड का ऑप्शन। मीटर कंसोल का बात करें तो ये 4 इंच का ये डिस्प्ले आ जाता है जो कि राउंड शेप का डिस्प्ले है और काफ़ी प्रोटेक्टिव डिस्प्ले भी है। अगर इस डिस्प्ले की अगर बात करें हम, इसमें स्क्रैच रेसिस्टेंट है, रेसिस्टेंस है, एंड एंटी फॉग है, फॉग लगने पर भी ये मतलब एकदम विजिबल होगा, तो इस टाइप के हैं। और डिस्प्ले आप देख सकते हो, इसमें काफ़ी फीचर्स दिया हुआ है जैसा नेविगेशन हो गया और GPS भी है इसमें। पहले था नेम लोकेशन दिखाता था, लेकिन अब लोकेशन के साथ साथ आपको जिस लोकेशन पे उसका नेम भी मेंशन करेगा, जैसे आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो इस टाइप से HP मतलब सबका नेम भी मेंशन करेगा कि आगे इतने देर के बाद आपको पेट्रोल पंप है, नेम सही नेम टोटल चीज़ दिखाएगा। यहाँ से आप की इंस्टॉल करा सकते हो, तो ये काफ़ी मतलब प्यारा ही लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये डायल, जिसमें आपको स्पीडो ऑडो और टेको ट्रिप मीटर हर एक चीज़ आपको डिजिटल आ जाएगा। इसमें हर एक चीज़ डिजिटल दिया गया है, जैसे आप देख रहे हो न्यूट्रल का यहाँ पे दिया गया है, एंड साइड इंडिकेटर का भी अभी मैंने ऑन किया तो यहाँ पे पीछे ब्लिंक कर रहा है। हैजार्ड लैंप आपको दिखा देते हैं, देखिए हैजार्ड लैंप का भी शो कर रहा है, साइड से भी हैजार्ड लैंप दिखा दे रहे हैं, तो हैजार्ड लैंप भी अभी चल रहा है, तो ऐसा कुछ है। फोक्सिन भी आपको दिखा देते हैं, हेडलैम्प का फोक्सिन भी काफ़ी ज़बरदस्त है, फुल LED हो गया है हेडलैम्प, पूरा LED लाइट है। पहले हैलोजन में आता था और नॉर्मल आइडियल कंडीशन में देख सकते हो आवाज़ पूरा, तो ये था ये गाइज इसका कुछ एग्जॉस्ट नोट का साउंड, तो इस टाइप से इसका साउंड था। साउंड भी काफ़ी अच्छा है और LED की फोक्सिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और सारे डिस्प्ले का सारे मैंने ऑप्शन आपको बता ही दिया क्या क्या इसमें चीज़ दिया गया है, फिर से आपको दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ वेलकमिंग इसका है। अब थोड़ा साइड प्रोफाइल में अगर नीचे के इंजन का अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये रेडिएटर आ जाता है, देख सकते हो, जो कि 450 cc का ये बाइक है। अगर टॉर्क की अगर हम बात करें गाइस तो 40 Nm का ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है आपको 5500 RPM पर, और 39.47 BHP का पावर प्रोड्यूस करता है आपको 8000 RPM पर, तो कुछ ऐसा है। और इसमें 16 BHP का और 8 RPM पर में इसमें पहले से ज़्यादा इम्प्रूव भी हुआ है, मतलब इसमें पावर और टॉर्क दोनों को बढ़ाया गया है इस बाइक में। और ऐसा कुछ देख सकते हो इंजन प्रोटेक्ट के लिए भी नीचे दिया गया है, पूरा फुल कवरिंग दी गई है, तो ऐसा कुछ है। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आ जाता है ये बाइक। एंड यहाँ पर देख सकते हो फुट स्टेप भी काफ़ी मतलब यूनिक टाइप से है, और ये गियर हो गया, साइड स्टैंड आप देख रहे हो, और यहाँ पे आपको रियर फुटरेस्ट आपको मिल जाएगा जो कि मैनुअली एडजस्टेबल है। सेंटर ये चेन आप देख सकते हो जो कि फुल विजिबल है, ये भी अपने एक लुक को शो कर रहा है। और सेंटर में कुछ नाम नहीं आता आपको, ऐसा येल्लो कलर का इसकी स्टिकरिंग आ जाएगी, येल्लो एंड ब्लैक का, तो ऐसा कुछ इंजन कैबिनेट है आप देख सकते हो। और हिमालयन जो मेंशन है टैंक पे मेंशन है। और उस साइड की अगर बात करें, थोड़ा ग्रैब हैंडल देख लिया जाए तो ग्रैब हैंडल भी काफ़ी यूनिक है जिसको चेंज किया गया, देख सकते हो इसमें बॉक्स वगैरह भी आप रख सकते हो। और अंडर पीछे का भी लाइट आप देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, तो यहाँ पर भी आपको LED मिल जाएगा देख सकते हो, और इसी में DRL और LED बैक लाइट भी दिया गया है। और सेंटर में आपको यहाँ पे देख सकते हो नंबर लाइट भी, और पीछे ये गोला सा रिफ्लेक्टर भी दिया गया है। और यहाँ पे आपको रॉयल इनफील्ड की बैजिंग दे दी गई है, बैक लाइट यहाँ पे नहीं दिया गया है, समझो आप यहीं बैक लाइट और साइड इंडिकेटर का दोनों यही काम करेगा। एंड फाइनली ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 230 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आ जाती है, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो ये कुछ ऐसा सीन था न्यू हिमालयन 450 का। तो चलिए फाइनली थोड़ा प्राइस वगैरह का अगर बात कर लेते हैं तो इस बाइक का एक शोरूम आ जाता है 2,84,000, एंड टॉप मॉडल का बात करिए टॉप मॉडल आ जाता है तो 3,40,000 तक, मतलब एक राउंड फिगर बता रहे हैं। मोतिहारी राज मोटर्स में आपको हो जाएगा जो कि कचहरी के पास, इसका मैं डाल दूंगा मोतिहारी कचहरी कोर्ट के पास इसकी एजेंसी है, और इसका जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो के ऊपर भी डाल दूंगा, आप कोई भी इंक्वायरी हो आप ले सकते हो। तो कुछ ऐसा ब्लॉग था गाइज़,
एंड हर एक चीज़ ऑलमोस्ट मैंने क्लियर कर दिया। 4 इंच की TFT डिस्प्ले है, क्या क्या उसमें फंक्शन है, हर एक चीज़ हो गया। साइड प्रोफाइल, मोनोशॉक सस्पेंशन एंड इंजन का नाम शेरपा 450 है। तो ये कुछ ऐसा सीन था न्यू वाली हिमालयन का लुक, आप देख ही रहे हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।